अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी, जो बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आने वाली है। आइसक्रीम, केक और जूस में जब तक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम और केक में नहीं पड़ती है, तब तक वो चीज़ अधूरी सी लगती है। और टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो आज मैं ये रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि आज हम जो टूटी फ्रूटी बनाएंगे वो तरबूज के छिलके से बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम तरबूज के छिलके से बनाएंगे। जो छिलका आप फेंक देती हैं, उसी छिलके से हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले एक तरबूज ले लेंगे। तरबूज को गर्मी के सीजन में बहुत ही खाया जाता है, तो गर्मी के सीजन में आपको तरबूज बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम एक तरबूज ले लेंगे और उसको इस तरीके से कट करेंगे और उसके ऊपर वाले हिस्से को हम खा लेंगे। जी दोस्तों, हमें इसके ऊपर वाले हिस्से को खा लेना है, तभी तो हमको इसके नीचे का छिलका मिलेगा। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तरबूज को खा लिया है और उसके बचे हुए छिलके को हमने ले लिया है। बिल्कुल इस तरीके का छिलका चाहिए हमको। हमने तरबूज के ग्रीन पार्ट को छील लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब एक पतीला ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें कटे हुए छिलके को ऐड कर देंगे। अब इसको ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे पका लेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पक गया है। इसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको छन्नी में छान लेंगे, ताकि इसका बचा हुआ पानी भी निकल जाए। इसको दबा दबा के इस तरीके से पानी निकाल लेंगे। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से एक पतीला ले लेंगे, अब उसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे। ये लगभग 200 ग्राम चीनी ले लिया है हमने। हमने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ली है, तो हम पानी 1.5 गिलास ले लेंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, अब आधा गिलास पानी और डाल देंगे। और चीनी के मेल्ट हो जाने तक इसको पका लेंगे। चीनी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। अब इसमें उबले हुए छिलके को ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक्कन लगा के पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मीठा हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। हमने 4 कटोरी ली है, क्योंकि हम 4 अलग अलग कलर के बनाने वाले हैं, इसलिए हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है। आप जितने चाहो उतने कलर के आप इसे बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे लिक्विड फूड कलर ले लिया है, डार्क पिंक लिया है। इसमें हम 2 चम्मच लिक्विड फूड कलर ऐड कर देंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कलर ही पड़ता है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन कलर भी ले लिया है। आपको जो रंग पसंद है आप उस कलर का बना सकते हो। हमने यहाँ पे लाल कलर भी ले लिया है। लाल कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ऑरेंज कलर ले लेंगे और इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मेरे घर में ये 4 कलर अवेलेबल थे, तो मैं इन 4 कलर के ही बनाने वाली हूँ टूटी फ्रूटी। दोस्तों इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए आप लोगों को मार्केट से भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मंगवानी पड़ेगी। घर के ही सामानों से आप बहुत ही ईजीली टूटी फ्रूटी बना सकते हो। अब इसे 1.5 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि ये चाशनी को अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर ले। 1.5 घंटे हमारे हो गए हैं, चाशनी को ये जितना अब्सॉर्ब कर सकती थी उतना इसने कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे बड़े से प्लेट में। चाशनी के पानी को इस तरीके से निचोड़ के निकालना है। इस तरीके से हम प्लेट में खिला खिला के रख देंगे।
ऐसे ही लाइन वाइज लाइन खिलाकर रख देंगे। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन वाइज लाइन रख दिया है, ये देखिए दोस्तों। अब इसको 4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अगर आपका 4 घंटे में ये नहीं सूखता है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ सकती हैं धूप में। तो हमारे 4 घंटे हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गया है, ये देखिए दोस्तों। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने निकाल लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो ये केक और आइसक्रीम और मैंगो जूस में ढलने के लिए रेडी हो गया है। मैं आपको हाथों से एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छे से बन गया है। ये देखिए दोस्तों, एकदम लग रहा है ना मार्केट जैसा, एकदम खिले खिले बने हैं हमारे टूटी फ्रूटी, आप तो देख ही सकते हो। तो आप लोगों ने देखा ना दोस्तों कि टूटी फ्रूटी घर में बनाना कितना ईजी होता है, वो भी हमने इसे बनाया है एक वेस्ट मटेरियल से, जो आप लोग फेंक देती हैं हमने उसी से बनाया है। इस रंग बिरंगे चीज को देखने के बाद बच्चों का मन बहुत ही खुश होने वाला है। जब तक ये चीज किसी केक, आइसक्रीम और जूस में नहीं ढलता है तब तक वो चीज अधूरी सी लगती है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको और आपके परिवार वालों को कैसी लगी। अगर ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।